बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ नाज़रीन, हम आपको बताएं इस वक्त बहुत ही ख़ूबसूरत और प्यारा मंज़र समुंदर का बहरे अरब कराची सुमियानी बीच पे नहाय ख़ूबसूरत और बहुत ही वसी और प्यारा बीच है। आर्मी की तरफ से आर्मी के अंदर जरिए आता है और बहुत ही प्यारे हट्स बने हुए हैं इस तरफ, और ये उस तरफ लोग थोड़ा रहे हैं, वो समंदर की सैर कर रहे हैं। और ये देखें आप किस तरह पानी की लहरें आगे वो दौड़ दौड़ के आ रही हैं, भाग के आ रही हैं और सही ज़ोरों शोर से आ रही हैं। इस वक्त समुंदर सूरज भी सवा नज़र ऊपर खड़ा है, थोड़ा सा दूर सभी सनसेट भी होने वाला है। तो ये आप गौर से देखें ज़रा कितना प्यारा मंज़र है, ये कितना शोर है पानी का और किस तरह पानी सही भाग के आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल मेरे ये पाँव के पास आ गया, ये और ये फिर वापस जा रहा है। तो ये पानी की लहरें आती हैं बहुत ज़ोर शोर से और काफ़ी आगे तक आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा तो हमें ख़ुद काफ़ी पीछे जाना पड़ता है। आप देखें कितना आगे आ रही हैं ये, इस वक्त बिल्कुल सूरज ग़रूब होने के करीब है, बल्कि ग़रूब हो ही चुका है, बस थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। ये एग्जैक्टली बिल्कुल सनसेट का मंज़र है। अभी यहाँ पर तकरीबन 6:15 हो चुके हैं और इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा कि सूरज आधे से ज़्यादा गायब हो चुका है, और थोड़ा सा बिल्कुल बैठ देखना। और ये एग्जैक्टली सनसेट का टाइम है इस वक्त सुनानी के बीच पे। कहते हैं कि समुंदर में सबसे प्यारा जो मंज़र होता है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो होता है वो इसी वक्त सनसेट का होता है, और वाकई आज हमने देख भी लिया है अपनी आँखों से खुद भी। इस वक्त बहुत ही प्यारा ऐसा मंज़र है यहाँ पर कि लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। आप खुद देखें ज़रा कितना प्यारा और कितना आला किस्म का मंज़र है, अल्लाहु अकबर, बहुत ही प्यारा मंज़र है इस वक्त। और वाकई सच बात है कि ज़बान से लफ्ज़ों से बयान करना मुश्किल हो जाता है किस तरह की खूबसूरती को किस तरह बयान करें। तो सनसेट और सनराइज सुबह जब सूरज मंज़र बहुत ही प्यारा होता है, खूबसूरत। अब ये देखें सूरज तकरीबन बिल्कुल ही ना इसको देख के वो बाकायदा याद याद आती है सभी जी आला यूरोप भी कुमार कर दीना और कुल सीरो लर्ज कि क्या क्या ही प्यारा खूबसूरत अल्लाह ने मंज़र बनाया, नज़ारा बनाया है। तो कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और वन इंसान सोचे कि इस दुनिया में अल्लाह ने इतनी खूबसूरत चीज़ें पैदा की, इतनी खूबसूरत नज़ारे बनाया, तो अल्लाह ने जन्नत में क्या कुछ रखा होगा, कैसी प्यारी खूबसूरत जन्नत होगी अगर दुनिया में हमें इतना कुछ चीज़ें इतनी प्यारी अल्लाह ने बनाई हैं कि उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उनको ज़बान से बयान करना मुश्किल हो जाता है। तो जन्नत अल्लाह ताला की कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत होगी, देखें आप कितना ही ज़बरदस्त और प्यारा व्यू है, मंज़र है।